फ्रेंड्स, मेरा नाम है साक्षी सचदेवा। आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ कि हम लोगों को अगर जो ट्रैक चेंजेस में चेंजेस हमने किए थे, क्या हम उसको अपने ऑप्शंस के अंदर रखना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में दिखाना चाहते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अभी मेरा ट्रैक चेंजेस यहाँ से होना है, मैं इसको यहाँ से ऑफ करा देती हूँ। अब आपसे पूछेगा यहाँ पे चेंजेस के अंदर भी जो चेंजेस आपने किए हैं एक्सेप्ट रखने हैं, तो एक्सेप्ट दिस चेंज। देखिए एक बॉक्स आपका चेंज हो गया, एक्सेप्ट एंड मूव टू टेक्स्ट, वो चेंज हो गया। लेकिन मैं ये चाहती हूँ ये नहीं आए, तो इसको मैं क्या करूँगी, रिजेक्ट चेंज, रिजेक्ट हो जाएगा। और जो मैं रिजेक्ट एंड मूव टेक्स्ट उसको रिजेक्ट किया, आप इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं इसे भी आप रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पे जाइए, इस बॉक्स के अंदर जो चाहते हैं रिजेक्ट कर दीजिए, नेक्स्ट मूव करें। अब इनके अंदर भी इनको आप चाहते हैं या नहीं आप ये बताइए, मैं इनको एक्सेप्ट कराना चाहती हूँ, एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए ये जो होगा मेरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, क्योंकि ये हो सकता है सिर्फ जो पढ़ा है जो हमने हमारे शेयरिंग मोड पे थे उनके अलावा किसी और को भी यूज़ हो जाए, तो हम इसको नॉर्मली अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, मेरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक्सेप्टेड हो चुके हैं, और जो मैं नहीं चाहती थी उनको मैंने रिजेक्ट कर दिया। ये प्रीवियस और ये नेक्स्ट ये मैं चेक कर लूँगी, मतलब ये मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक्सेप्ट हो चुके हैं, और जो नहीं चाहिए था उनको मैंने यहाँ से रिजेक्ट कर दिया। देखिए भी क्या आपको नहीं चाहिए, आप उसे हटा दीजिए। मैंने कहा नहीं मुझे तो चाहिए, तो मुझे इसको यहीं पे ऐड रखना है। तो ये मैंने जो ट्रैक चेंजेस बनाए थे हम उनको अपने अकॉर्डिंग रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ये चाहते थे भी इसको आप रिजेक्ट कर दीजिए, भी ये रहने देते हैं, ये एक फीडबैक है, इसको हम नहीं चाहते हैं, बट ये पहले से आपका एक्सेप्ट हो चुका है तो आप इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑल चेंजेस इन स्टॉप ट्रैकिंग भी, आप अपने ट्रैकिंग को स्टॉप भी कराना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको स्टॉप करा देंगे, आपके जो चेंजेस होंगे वो रिजेक्ट होकर अब जो आपका ट्रैक चेंज है वो आपका स्टॉप हो चुका है। कोई भी देखिए साइड की रेड लाइन आपको हाईलाइट नहीं होगी, और ऑल मार्कअप पे हमारा क्लिक है तो वो भी हमें रेड कलर में नहीं हाईलाइट होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके पास जो भी आप चेंजेस करेंगे उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट आपने कैसे करना है वो आपको यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो बाकी वीडियो में हम आपको बताते हैं कि हम अपनी प्रोटेक्ट कैसे करा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसको लॉक कैसे कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इस वीडियो में इतना ही, और पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलिए, और मेरी बाकी की वीडियोज़ के लिए आप लोग विज़िट करेंगे मेरी वेबसाइट पर। Thank you.